Morning students, physics, that is chapter 11, work and energy. So here we have to discuss today our topic, that is part 3, energy conversion. Okay, so today we have to study about energy conversion. Energy ke baare mein hum pehle padh chuke hain beta, first and second part mein. Aap isko bahut acche se explain kar chuke hain, aap wahan pe acche se padh lena. To phir bhi main aapko ek baar dobara se explain kar deti hu, energy kya hoti hai. The capacity to do work, the capacity to do work is called energy. ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द वर्क. मीन्स कि आपके अंदर जितनी एनर्जी, अब जैसे मेरे अंदर जितनी एनर्जी, मैं कितनी देर तक पढ़ा पाऊंगी. अगर मेरी एनर्जी लूज हो जाएगी तो मैं थक जाऊंगी, उसके बाद नहीं पढ़ा पाऊंगी. सो एनर्जी इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द वर्क. सो इसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट भी जूल. बिकॉज आप उतना ही वर्क कर पाओगे जितना आपका एनर्जी होगा. क्लियर? सो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है कि एनर्जी क्या है. तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, लाइक केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स वी हैव टू स्टडी. क्लियर? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो देर आर वेरियस फॉर्म विच वी हैव टू स्टडी ऑलरेडी इन द प्रीवियस पार्ट. सो हियर वेलकम स्टूडेंट, दिस इज कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स एंड मोस्ट वेलकम एट हियर. Now you can construct your physics in your own way. So, okay? So, now we start our main topic, that is energy conversion. So, students, energy can be converted from one form to another form. Clear? And this is known as transformation of energy. सबसे पहले हमारे पास ये आता है, what is transformation of energy? What is transformation of energy? क्या होता है transformation of energy? पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है, कौन सी नई बला आ गई भाई, क्या करें इसका. क्लियर? सो इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ बेटा, सो दैट यू ये जो चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. क्लियर? वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. मींस कि एक एनर्जी जब दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो इसके कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं हम आपको. सपोज करो, फर्स्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी. आपके क्वेश्चन पेपर में मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि गिव मी एन एग्जांपल इन विच पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है. क्लियर? आपको ऐसा एग्जांपल बताओ मुझे, तो आपको पता है ऐसा एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से पता है. क्लियर? सो आपको पता है जब हम मतलब व्हेन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग, तो हम एक डैम करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है डैम के ऊपर. सपोज को दिस इज डैम, ठीक है, बहुत सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, फिर वो पानी ऊपर से ऐसे नीचे आता है. यहाँ पे एक क्या लगी होती है, टर्बाइन लगी होती है. ठीक है, वो टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन एक्सल के साथ किससे अटैच होती है, एक जनरेटर से. और इसके बाद हमें क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी. देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है, देखो यहाँ पे ये पानी अपने आप में स्टोर है, मीन्स यहाँ पे पानी एक पोजीशन में खड़ा हुआ है. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास कौन सी एनर्जी है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी. जब ये पानी ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है तो पानी मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी में. और जब ये इसको टर्बाइन को मूव किया तो यहाँ पे इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो आपको समझ आ गया इसका एग्जांपल, कि अगर आप देखो, आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनर्जी कन्वर्जन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर. ठीक है, कि आप वाटर का यूज़ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे डैम प्रोड्यूस करके, तो आप उसमें एनर्जी कन्वर्जन बताओ. तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि इसमें क्या होगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा. या आपसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए बेटा. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन, किसी की बॉडी की पोजीशन की वजह से होता है बेटा. क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी होता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, मोशन में हो कंटिन्यू. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको पता ही है, विच इज ड्यू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ओके, चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम. अब इसमें ये बता रहा है कि आप कोई ऐसा बताओ जिसमें लाइट इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी में चेंज हो रही हो. जो लाइट एनर्जी है आपकी, वो
हीट एनर्जी में चेंज हो रही। क्या ऐसा कोई एग्जांपल है? थोड़ा सा सोचो, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो रही हो। सो आप बताओ बेटा, मैं आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ में फ्लो होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा है कि जब बल्ब, ये बल्ब है हमारे पास, जब इसमें से करंट पास होगा बल्ब में से, तो ये बल्ब क्या करने लग जाता है? ग्लो करने लग जाता है, क्लियर। सो करंट दिया हमने, करंट से क्या हुआ? लाइट एनर्जी आ गई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये बल्ब गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो हमने इसको लाइट एनर्जी दी, ठीक है, क्लियर, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको दी है, हमने यहाँ से क्या दिया, पहले इलेक्ट्रिसिटी दी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है, वो लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट और हीट दोनों में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि आप जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एंड हीट एनर्जी में, ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लाइट हीट का तो समझ में आ गया आपको। ये ऐसा था पूरा एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट प्लस हीट एनर्जी में जो चेंज करे, ऐसा कोई डिवाइस बतानी थी हमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही पूरा समझ में आएगा। सो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस बल्ब है बेटा, देखो यहाँ से मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट दिया, यहाँ से आप कोई भी वायर लगाओगे तो वो इसमें जाएगा, ठीक है। फिर ये बल्ब ने ग्लो किया, तो बल्ब ग्लो भी कर रहा है प्लस में ये गर्म भी हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी से क्या कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर ली बेटा, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये आपकी रियल लाइफ में सारे एग्जांपल अवेलेबल हैं बेटा, आप इनको देखोगे और थोड़ा सा फील करोगे ना, तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पिक्चर्स में आपको ये दिखा भी दिए बल्ब वाले, और ये आप वहाँ से भी देख सकते हो, क्लियर। चलो एक बार एग्जांपल करते हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू, जो केमिकल एनर्जी हमारी उसको आप चेंज करो, बताओ, लाइट एंड हीट एनर्जी, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हमारा बेटा, लिसन, पहले तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि जोखन, तो आप इसको पोज करके वीडियो को थोड़ी देर रहना, एक बार थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, ऐसा क्या सब्सटेंस होता है जिसको मतलब केमिकल एनर्जी दें और वो बदले में हमें लाइट एंड हीट एनर्जी दे, ठीक है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मतलब केमिकल है और जब हम उसको जलाएंगे तो लाइट और हीट एनर्जी देगा? तो बेटा देखो, कोल, याद आया आपको थोड़ा सा हल्का, कोल, कोल क्या है, केमिकल एनर्जी होती है। इसके अंदर कोल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। और जब आप इसको बर्न अप करते हो, ठीक है, जब कोयले को आप जलाते हो, व्हेन कोल इज बर्न, जब कोयले को जलाओगे, किसी भी लकड़ी वगैरह को जलाओगे, तो आप बताओ कौन कौन सी एनर्जी निकलेंगी? लाइट एनर्जी, आपको वहाँ पे लाइटनिंग भी दिखाई देगी, और वो हीट एनर्जी, वो चीज़ को गर्म भी कर देगा। तो कोल के केस में आप क्या कह सकते हो कि केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जैसे कि टॉर्च के केस में भी होता है बेटा ऐसा, टॉर्च में हम क्या डालते हैं? सेल डालते हैं ना, है ना। सेल के अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी होती है। तो जब हम सेल को ऑन करते हैं, जब टॉर्च को ऑन करेंगे तो सेल कनेक्ट है इसके साथ, टॉर्च को ऑन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, क्योंकि थोड़ी देर में बल्ब गर्म भी तो हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ आ गया आपको, क्लियर। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हमें केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, कोल को, किसी भी कोल को बर्न कर सकते हो आप, लाइक वुड भी हो सकता है इसमें, क्योंकि वुड भी केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। कोक भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, उसमें भी होता है सही, ठीक है। टॉर्च भी हो सकता है, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपकी रियलिस्टिक लाइफ में, जब आप नज़र उठा के देखोगे आपके चारों तरफ, तो फिजिक्स ही फिजिक्स नज़र आएगी आपको। चलो ठीक है बेटा, अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज। सोचो बेटा कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें हमें पोटेंशियल, यानी कि हमें पहले किसी बॉडी को रेस्ट में करना है, ताकि वो उसकी पोजीशन को खींचना है, स्टोर करके रखना है, सो दैट उसके बाद वो मूवमेंट करे, ठीक है। अब आप इसके लिए एक धनुष होता है, धनुष ना आप लोगों ने, बो, अगर आप एक बो को ऐसे सपोज करो, यहाँ पे कोई बच्चा है, उसने ऐसे धनुष लेके खड़ा हुआ है वो, ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे से धनुष वनुष नहीं बनाना आता भाई, ठीक है, वो ऐसे लेके खड़ा हुआ है उसको, क्लियर। तो पहले उसने उसका पूरा खींचा हुआ है, मीन से इसको ऐसे पकड़े खींचते हैं ना, ऐसे करके खींचा हुआ पूरा उसने, जब तो जितना जोर से उसको खींचेगा, तो इसका मतलब उसने इसको ज़बरदस्ती एक पोजीशन दे रखी है, तो पहले इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। फिर यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा, उसने उसको खींच के मारा इसको, ठीक है, तो ये ऐसे गया, तो ये जब ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ पे, किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जब एक स्ट्रेच बोन है आपके पास, टॉर्च स्ट्रेच बो है, ठीक है, जब उसको आप खींचे हुए हो, तो उस टाइम पे वो कौन सी एनर्जी है उसके पास? पोटेंशियल। जब उसको आप रिलीज़ कर दोगे, छोड़ दोगे, जब आप उसको क्या कर दोगे, रिलीज़ करोगे, छोड़ोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी में, क्लियर। ये एग्जांपल आप एक पेंडुलम भी ले सकते हो,
पेंडुलम भी ऐसा होता है। देखो जैसे ये है पेंडुलम, एक स्ट्रिंग होती है, धागा होता है, और इसके नीचे एक मेटल की बॉब लगी होती है, ठीक है। ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, फिलहाल ये रेस्ट में। तो फिलहाल इसके पास कितनी है पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ समय के बाद सपोज करो वो यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ गया तो देखो बेटा पोटेंशियल, फिर ये इसे मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी, फिर ये इधर आया फिर से काइनेटिक एनर्जी, फिर ये इधर गया फिर से काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से आप देखो कंटिन्यू ऐसे मूव कर रहा है, जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसका फिक्स एंड हो जाएगा और ये ऐसे ऐसे मूव। देखो पहले रेस्ट में था तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये मूव कर रहा है कंटिन्यू, तो काइनेटिक कुछ देर के बाद ऐसे करता 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 फिर से रेस्ट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कंटिन्यू किस में चेंज हो रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट होता जा रहा है, समझ गए आप, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बता देती हूँ आपको, जैसे कोई स्टोन भी है लाइंग ऑन ए रूफ ऑफ हाउस, ठीक है, कोई पत्थर है घर की छत पे पड़ा हुआ है। तो अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है जिस टाइम, तो वो पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ है छत पे, ठीक है, तो अभी फिलहाल रेस्ट में है ना, छत पे है, कहाँ पे है ये, छत पे है, रूफ पे, ठीक है। तो अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर। अब जब ये पत्थर नीचे गिरेगा, जब ये पत्थर नीचे गिर जाएगा, सपोज करो ये किसने फेंक दिया, गिर गया, तो आप क्या देखोगे, जब ये नीचे गिर रहा है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके रियल लाइफ में, आप वहाँ से भी इसको अच्छे से कर सकते हो, क्लियर। चलो अब एक और होते हैं, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, सॉरी ये तो हमने कर लिया, हम ये रह करते हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें केमिकल, मतलब पहले किसी चीज़ में केमिकल और उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो आप देखो बेटा ये केमिकल मीन्स जैसे कोल वगैरह की बात ही होगी, तो थर्मल पावर प्लांट आपने सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्नेस लेते हैं, चूल्हा लेते हैं, उसके अंदर कोल डालते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, फिर वो स्टीम निकलते हैं उससे, मतलब फिर वो टरबाइन घूमती है, ठीक है। फिर टरबाइन घूमेगी तो वहाँ पे आगे क्या लगा होगा, जनरेटर लगा होगा, इससे क्या चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी हमें, क्लियर। तो थर्मल पावर प्लांट्स में ऐसा होता है कि जब हम कोल को बर्न करते हैं, जब हम कोल को जलाते हैं, तो कोल को आप बर्न करोगे तो वहाँ से क्या, क्योंकि कोल के अंदर तो केमिकल एनर्जी होती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, ओके, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा एक हमारे पास एग्जांपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, क्लियर। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से करना, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। मतलब हम किसी बॉडी पे कोई वर्क करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो बॉडी मूव भी करेगी और उस बॉडी की पोजीशंस भी कंटिन्यू चेंज होगी। तो आप थोड़ा सा बताओ, अगर मैं ऐसे ऐसे हाथों को रब कर रही हूँ, तो देखो पहले हाथ रेस्ट में है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, बस कंटिन्यू मूव करने लगी तो काइनेटिक एनर्जी हो रही है। और आप देखना जब मैं इसमें मैकेनिकल एनर्जी वर्क कर रही हूँ कि ये पोजीशन भी चेंज हो रही है और मूव भी कर रहे हैं हाथ, क्लियर। तो क्या हो रहा है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी मैं इसको दे रही हूँ ना, और ये धीरे 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 मेरे हाथों को क्या कर देगी, गर्म कर देगी ना। तो व्हेन वी रब आवर हैंड्स देन वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, क्लियर। ये तो आपका खुद का एग्जांपल है, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और आप देखना जब भी कोई मीन्स कोई पेड़ है, सपोज करो, ठीक है, अगर इसका कोई हिस्सा है, ठीक है, अगर उसको हम काटते हैं, ठीक है, तो आप देखना जब कंटिन्यू उस पर कुल्हाड़ी लगेगी ना, मतलब कंटिन्यू उसको काटते रहोगे आप, ऐसे 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 उसको काटोगे, कंटिन्यू उस पर करोगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, उसकी जो टहनी है, जब उसको आप किसी भी साथ से मतलब कुल्हाड़ी से काटते हो, तो वो पार्ट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब वो कितना गर्म होगा, जितना आप उस पर जोर से कुल्हाड़ी में, तो जितना आप उस पर काम कर रहे हो, उतना ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब कन्वर्जन ऑफ मस्कुलर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा हूँ, जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही हो, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब आपके खुद की जो मसल्स वर्क करें और उससे कोई चीज़ मूव करे। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है बाईसाइकिल, ठीक है। साइकिल में क्या होता है, जब हम साइकिल चलाते हैं,
क्लियर, तो हम पैडल मारते हैं उसके ऊपर, तो मतलब हम उस पर हमारी मसल्स वर्क करती हैं, जो हमारी थाइज वाली मसल्स हैं वो वर्क करेंगी उसके ऊपर, ठीक है। और हम फिर वो साइकिल क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है, साइकिल मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो इस तरीके से हमने अपनी मसल्स का यूज़ करके, अपनी पावर का, अपनी एनर्जी का यूज़ करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया। सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। सो आप थिंक आपको सारा आप समझ में आ रहा होगा बेटा, धीरे धीरे हमने एनर्जी कन्वर्जन पढ़ा, मतलब एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, इसको सिर्फ हम ना कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक टॉपिक है, वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि सन से हमें कौन कौन सी एनर्जी मिलती है। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको हमेशा याद रखना है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बिगेस्ट नेचुरल सोर्स बेटा, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स कि आप ये कह सकते हो हमारी अर्थ पे अगर कोई एनर्जी का सोर्स है मेन तो सन है, अगर सन नहीं है तो नथिंग इज पॉसिबल, क्लियर। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट इज ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे जितनी भी एनर्जीज अवेलेबल हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ऑल आर डिपेंड ऑन द सन, क्लियर। सो सन से हमें देखो कौन कौन सी एनर्जी मिलती है, हमें विंड एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी मिलती है, ओके। हमें सन से हीट एनर्जी मिलती है, मिलती है भाई। क्या हमें सन से लाइट एनर्जी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही है, लेकिन इसने काफ़ी सारा मतलब हमारी लाइफ में रोल प्ले किया है। तो विंड एनर्जी का देखो हम कहाँ यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं विंड मिल्स का यूज़ करके, क्लियर। इसकी हीट एनर्जी को हमें काफ़ी सारी चीज़ों को बॉयल्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक और यूज है सन का कि जो प्लांट्स हैं दे ऑल्सो ट्रैप, प्लांट ट्रैप लाइट एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। और कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है फ्लेटेड लीव्स के अंदर, वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, उसको यूज़ करेगा एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें भी मीन्स सबसे बड़ा है कि प्लांट्स को जो खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक तो आपको पता है वाटर होता है, ठीक है, CO2 होता है, वो सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अगर सनलाइट ना हो तो अपना खाना नहीं बना पाते, जैसे रात को नहीं बना पाते, हाँ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, मैं नहीं कहती सारे वो होते हैं, बट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो दिन में फास्ट होती है एज कम्पेयर टू नाइट, ठीक है बेटा, ओके। अब इसका एक वाटर साइकिल का भी बहुत बड़ा रोल है, सन को मतलब क्योंकि क्या होता है, पानी भर जाता है, ठीक है, यहाँ पे अपना सन है, ठीक है। मैं आपको कुछ से सन के बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ बेटा इसमें, कि सन जैसे क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं कि हाउ यू कैन से दैट सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आप बता सकते हो कि सन का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एक वाटर साइकिल में इसका यूज होता है, H2O साइकिल हमारी, उसमें भी इसका यूज होता है। तो आपको इस तरीके से इनडायरेक्टली इनसे रिलेट करके इसको एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, बट आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना, जैसे मान लो इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी वेपराइज होकर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कंडेंस मतलब बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो वापस बारिश की फॉर्म है। तो इस तरीके से ना पूरी साइकिल चलती रहती है बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है, मतलब पानी का नीचे आना रेन की फॉर्म में, फिर वेपराइज होकर ऊपर चले जाना, ये जो पूरी प्रोसेस है ना यही क्या आपकी वाटर साइकिल है। और आपको पता है कि काफ़ी टाइम पहले जो कोल और पेट्रोलियम बने थे वो भी किसकी वजह से बने थे, सन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। कोल किसकी वजह से बना था, जो वुड वगैरह थे वो मिट्टी में दब गए थे, ठीक है, ये किसकी वजह से बना था, जो सी ऑर्गेनिज्म थे हमारे वो बहुत ज़्यादा डीपली अर्थ की लेयर्स में दब गए थे, ठीक है, और उसके ऊपर कंटिन्यू सन का इफेक्ट पड़ता रहा था, सन की हीट थी, वाटर्स का इफेक्ट था, रॉक्स वगैरह थे, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, काफ़ी मतलब मिलियन ईयर्स लगे थे इस प्रोसेस को, तो वहाँ पे भी सन का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो आप ये देख सकते हो कि सन का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, विदाउट सन यू कांट डू नथिंग, ठीक है। सन तो बाय यूजिंग ऑल दिस एग्जांपल्स वी कैन से सन इज रियली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ सन इज नॉट एट हियर सो देन नो लाइफ इज ऑन द अर्थ, क्लियर। यू कैन से दैट ऑल्सो कि अगर सन नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि देर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ। सो सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ द अर्थ, समझ गए आप। चलो अब हम अपना मेन टॉपिक करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसमें हम करेंगे डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म एनर्जी, मैं आपको इसका एक फिर लास्ट में एक वर्कशीट भी दूंगी बेटा, इसको आप सोल्व करके बताना, ठीक है,
और मुझे आंसर्स करना उनका टू अनदर, ठीक है। मतलब अब मैं आपको आपसे क्या पूछूंगी, डिवाइस पूछूंगी कि वो डिवाइस बताओ जो ऐसी एनर्जी कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब मेरे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो विच डिवाइस कन्वर्ट हीट एनर्जी, हालांकि मैंने आपको भी समझाया है थोड़े दिन पहले ही, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, बताओ, सोचो, कैन ऑल्सो कमेंट इफ यू डोंट। तो बेटा ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, मीन्स उस चीज़ के पास पहले हीट एनर्जी होनी चाहिए, तो वो कौन सा है बेटा, हीट इंजन। क्या है वो, हीट इंजन, गाड़ी का जो हीट इंजन होता है, ठीक है, वो होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल, खुद हीट होएगा फिर वो कोई भी काम करेगा। ओके सेकंड, अच्छा बताओ आप मुझे कोई ऐसा सिस्टम बताओ जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ, अभी कराया था कुछ टाइम पहले बस, जस्ट बताओ बेटा, ये आपका एक तरीके से टेस्ट ही हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है, एक नया टॉपिक भी हो रहा है, प्लस में आपको दोबारा से रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी को हीट लग तो आपको पता है थर्मल पावर प्लांट में ऐसा होता है ना, कौन करता है ये, थर्मल पावर प्लांट, और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा जैसे मैं पूछ रही हूँ, क्लियर, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर, कोई ऐसी डिवाइस हो, तो ऐसा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। जो मैकेनिकल, मतलब जो हम तेल वगैरह डालते हैं शादी वगैरह में भी तो बहुत यूज होता है, उसमें तेल डाला हमने, तेल डाल के और उसको घुमा दिया तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, जितने भी केस हम ट्राई कर रहे हैं सबको लेने के कंटिन्यू हीट इन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हीटर में ही होता है, हीटर, जब हम हीटर ऑन करते हैं तो हम बिजली से ही तो हीटर चलाएंगे, तो हीटर चलाया हमने, ठीक है, बदले में उसने हमें क्या दे दिया, हीट दे दिया, ठीक है। विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करे, मीन्स कि पानी वाली मोटर, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। पानी वाली मोटर में क्या करते हैं, हम पहले उसमें वो पल्क में वो वायर डालेंगे, उससे मोटर को चला देंगे, फिर मोटर चलने लगेगी बिजली से, फिर बिजली से वो क्या पानी निकाल लेगी, तो कुछ काम कर रही है ना बदले में, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल मोटर। इवन वॉशिंग मशीन में भी होता है ऐसा, ठीक है। जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, ऐसी कोई डिवाइस बताओ, ये तो बड़ा ईजी है, सोलर सेल भाई, फोटो सेल या सोलर सेल, एक ही बात है, कोई फोटो सेल कहता है, कोई सोलर सेल कहता है, ये क्या करते हैं, जैसे सनलाइट इस प्लेट्स के ऊपर पड़ती है और वो उसको बदले में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, और चलो आप ये बताओ ऐसा एग्जांपल जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता हो, ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर दे, तो वो होता है बेटा माइक्रोफोन। क्या होता है, माइक्रोफोन, जैसे हम फ़ोन पे बातें करते हैं ना, और हमारे फ़ोन के जो साइड में लगा होता है नीचे जिसमें हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, हर किसी के फ़ोन में लगा होता है बेटा माइक्रोफोन, ठीक है। अच्छा ये बताओ जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करें, वो होता है आपका लाउड स्पीकर, ठीक है, मतलब उसमें हम वो लगा के उसमें बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज़ काफ़ी तेज़ निकलती है फिर उसमें, ठीक है बेटा, ओके। और एक और चीज़ आप पूछ लेती हूँ, जैसे आपको पता होगा मुझे श्योर है, मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने वाला, तो ये आपका कहाँ करते हो आप, बाईसाइकिल में करते हो। चलो एक चीज़ से एग्जांपल पूछती हूँ, पहले केमिकल एनर्जी है, फिर उससे हीट एनर्जी, फिर उससे काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी कोई डिवाइस बताओ, सबके पास होता है, सब बाइक चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल चलाते हो सभी, बाइक या यू कैन से कार, ठीक है, कोई भी व्हीकल है, जितना भी व्हीकल्स उसमें ऐसा होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंजन अवेलेबल है उसमें हम तेल डालेंगे, पेट्रोल डीजल जो भी आपको डालना, तो उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, फिर उसको जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो गर्म होएगा, ठीक है, गर्म होगा तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो गाड़ी क्या करने लग जाएगी, फिर वो गाड़ी मूव करने लग जाएगी, ठीक है, आगे चलने लग जाएगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो जनरली आपको अपने लाइफ में एग्जांपल्स याद रखनी है बेटा, याद रखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इट स्टेट्स दैट एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. पहला पॉइंट तो इसका ये बेटा, एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है. सेकेंड, इट नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना. तो आप इसको क्रिएट करोगे ना ही इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो. क्लियर? ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, मतलब कम्प्लीटली इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते. इवन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो पूरे अर्थ पे इसी का रोल है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. अगर एनर्जी है तो सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है बेटा. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इट नेदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर? सो आई होप स्टूडेंट्स सारा आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा. नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट फोर में हम करेंगे बेटा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी, ठीक है. एक फ्री फॉल बॉडी लेंगे, ठीक है. उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने अभी पढ़ा है, जो एनर्जी कंजर्वेशन का टॉपिक है, वो उस पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आई होप दिस इज नाउ क्लियर ऑल द कंसेप्ट. तो ट्राई इट बेटा, ओके. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे. सो कंस्ट्रक्ट योर फिजिक्स इन योर ओन वे. थैंक यू सो मच.